हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक हमारा चल रहा है अभी, वो जनरल मैकेनिज्म। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे अभी जनरल मैकेनिज्म वाले टॉपिक में, हम लोग बात कर रहे थे इंटरमीडिएट स्पीसीज के बारे में। तो अभी तक क्या क्या चीजें बता दिया था उसको क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की हम लोगों ने टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में। तो अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं मेनली, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, या जिनके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, जिनके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन 8 से कम वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके जिनके ऑक्टेट में, जिनके बैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। उनको भी हम इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। तो ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, या जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। जितने भी लिगेंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, वो सब जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी होते हैं जिनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर साइट्स हो सकती है, टू आर मोर डोनर साइट्स आर देयर, तो इट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हमने बात किया था एम्बिफिलिक्स के बारे में। तो जो ऐसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा काम कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एम्बिफिलिक रिएजेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था वाटर, तो वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एम्बिफिलिक रिएजेंट, ओके। देन उसके बाद हमने बात किया बॉन्ड फिशन के बारे में। तो इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। When species are separated by taking its own electron, is called homolytic bond fission. जो इलेक्ट्रॉन उसने शेयरिंग के लिए दिया था, अगर उसको लेकर के वापस अलग हो जाता है स्पीसीज, तो इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। द न्यू बॉर्न स्पीसीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। और इस ड्यूरेशन में बनने वाले जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी फ्री रेडिकल का रिएक्शन कैसे कैरी ऑन होता है। तो फ्री रेडिकल का रिएक्शन 3 स्टेप्स में कैरी ऑन होगा, दैट इज इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। उसके बाद हमने बात किया हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के बारे में। तो व्हाट इज द हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। इफ देयर इज वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज देयर, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, इसको कहेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। इट गिव राइज टू न्यू टाइप ऑफ स्पीसीज, दैट इज कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन। एक बार कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हो गया कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन, एंड अनदर टाइम जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे ही रह जाएगा, और इसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज कार्बन आर कार्बेनायन। तो देयर इज टू टाइप ऑफ स्पीसीज जनरेटेड ड्यूरिंग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, इट इज कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनायन। एक को कार्बोनियम आयन कहेंगे और एक को हम कार्बेनायंस कहेंगे, ठीक है। कार्बोनियम आयंस sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जबकि कार्बेन आयंस जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो कार्बोनियम आयन sp2 के साथ 120 प्लेनर होगा, और कार्बेन आयंस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ
पिरामिडल शेप के होते हैं, 106 डिग्री 45 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। उसके बाद हमने बात किया दोनों के स्टेबिलिटी के बारे में, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइक्लो कंपाउंड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद कार्बोनियम में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ट्राइफेनाइल, डाइफेनाइल, बेंजाइल, देन एलाइल, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होता है कार्बोनियम का। एंड एज सेम एज इसके बाद वही जैसा कार्बोनियम का स्टेबिलिटी है वैसा ही फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। और कार्बेनायंस का स्टेबिलिटी ट्राइफेनाइल, डाइफेनाइल और बेंजाइल, बेंजाइल के बाद एलाइल, एलाइल के बाद फिर मिथाइल से शुरू होगी, CH3- से शुरू होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने लगेंगे तो क्योंकि कार्बेनायंस पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बेनायंस का, तो उसको अनस्टेबल करेंगे। तो इसके बाद मिथाइल, इथाइल, सेकेंडरी और टर्शरी इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनायंस। तो ये कार्बेनायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब बात करते हैं हम अगले नए स्पीसीज के बारे में। दो और स्पीसीज के बारे में हमें पढ़ना है, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगला नया स्पीसीज है हमारा कार्बीन। तो कार्बीन्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेगमेंटेड स्पीसीज है ये, है ना, इंटरमीडिएट स्पीसीज तो है ही है। तो कार्बीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज, आर द इंटरमीडिएट, कार्बीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज, कार्बीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज। कार्बीन वो अंतर माध्यमिक समूह है, कार्बीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज, इंटरमीडिएट स्पीसीज इन विच, इन विच कार्बन एटम, कार्बन एटम हैविंग टू सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन एटम के पास दो सिग्मा बॉन्ड रहता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। कार्बन एटम हैविंग टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर, टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। दो सिग्मा बॉन्ड रहेगा कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर। इट इज आर ऑफ टू टाइप्स और कार्बीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन सिंगलेट, सिंगलेट कार्बीन, नंबर वन इज द सिंगलेट कार्बीन एंड नंबर टू इज द ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। तो अब ये क्लासिफिकेशन हमको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। ये बात तो समझ में आ गई कि दो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, देयर इज टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन व्हाट इज अबाउट द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। अब जो हमारा मुख्य काम है वो ये बात को समझना है कि सिंगलेट कार्बीन क्या होती है और ट्रिपलेट कार्बीन क्या होती है। तो दोनों पर एक साथ बात करते हैं हम, सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दोनों कार्बीन्स कैसे होते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। तो चलिए कंडीशन इज क्लियर, टू सिग्मा बॉन्ड एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऐसा कार्बन जिसके पास दो सिग्मा बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हम कहते हैं कार्बीन। एंड नाउ इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। अब ये कार्बीन्स जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, ओके, दैट इज सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट।
अब सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन की कंडीशन क्या है उस पर बात करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो चलिए पहले एक बार समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो देखो कार्बन ग्राउंड स्टेट में कैसा, 1s2, 2s2 और 2p2। और जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फिगरेशन कैसा हो जाएगा, 1s2, 2s1 और 2p3। तो एक्साइटेड स्टेट या बैलेंस सेल का कार्बन हमको चेक करना है, इट इज 2s1 एंड 2p3। अब दो सिग्मा बॉन्ड और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर, टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस हियर। तो देखो ये कार्बन शुरुआत का कार्बन है ना, 2s1 और 2p3। अब देखिए इस कार्बन के साथ क्या सिचुएशन है, दोस्त के पक्के दोस्त हैं। चलो हमने कह दिया वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कुछ भी है, एनीथिंग इज देयर, ओके। दोस्त के परमानेंट फ्रेंड्स हैं और दोस्त के टेम्परेरी फ्रेंड्स हैं, टू परमानेंट फ्रेंड्स एंड टू टेम्परेरी फ्रेंड्स। दोस्त के पक्के दोस्त और दोस्त के ऐसे दोस्त हैं जिन पे भरोसा नहीं कर सकता है वो, ठीक है। तो टू परमानेंट फ्रेंड्स एंड टू टेम्परेरी फ्रेंड्स आर देयर, जिनको मैंने परमानेंट को मैंने एच से शो कर दिया है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है ना। टू आर द परमानेंट एंड टू आर द टेम्परेरी। अब अगर मान लीजिए ये जो उसके टेम्परेरी फ्रेंड्स हैं ये उसको छोड़कर जाना चाहते हैं, उसके साथ बैलेंसी अभी तो काम कर रहे हैं बट दे वॉन्ट टू लीव, वो उसको छोड़कर जाना चाहते हैं। उस पैटर्न पर डिसाइड होगा कि विच इज द कंडीशन ऑफ सिंगलेट एंड विच इज द कंडीशन ऑफ ट्रिपलेट, कौन सी कंडीशन सिंगलेट की है और कौन सी कंडीशन ट्रिपलेट की है। तो देखो अब बात करते हैं इन टेम्परेरी फ्रेंड्स के बारे में, कितना एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है इसने, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। इफ द फ्रेगमेंटेशन इज लाइक दिस, अगर बंटवारा ऐसा होता है कि ये y दोनों निकल करके गए, 2y इज पासिस, और इन दोनों y ने जाते समय क्या काम किया, दिस इज द वर्क, है ना। एक ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया चला गया, एक ने क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन के पास छोड़ा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, ओके। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। क्या हुआ, समझ में आया। देखिए दो पक्के दोस्त तो यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, इस पे तो हमें कुछ बात ही नहीं करनी, बात कहां पे करनी है, यहां पे। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग क्लिवेज द वन वाई इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, एक वाई अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और एक वाई ने क्या किया कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया और चला गया, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन उसने यहां पे छोड़ दिया और ये वापस निकल गया, ठीक है। तो व्हाट इज द न्यू कंडीशन, न्यू कंडीशन क्या बन रही है जरा देखिए, ये यहां पे उसके जो पक्के दोस्त थे वो तो एज इट इज हैं, उस पे हमने कोई काम नहीं करना है, कुछ उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो दो, एक वाई और एक दूसरा वाई, इस वाई ने क्या किया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला गया है, तो इसने क्या किया पूरा एक ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट कर दिया, दिस ऑर्बिटल इज वैकेंट, दिस ऑर्बिटल इज वैकेंट। तो कंडीशन इज व्हाट नाउ इन केस ऑफ सिंगलेट, व्हाट इज द कंडीशन। तो सिंगलेट की जो कंडीशन है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो सिग्मा बॉन्ड है, देयर इज टू सिग्मा बॉन्ड, ओके, दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं एंड अन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, लेकिन वो कहां पे है, इन द सिचुएटेड, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द सेम ऑर्बिटल, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एक ही ऑर्बिटल में है। जो बॉन्ड फिशन हुआ, दो वायर तो निकल करके गए लेकिन इसने, इस वाई ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर इस एक्स का, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला गया है। तो दिस इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो उसको हम कैसे शो करते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो दिस इज द डेजिग्नेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगलेट कार्बीन, ये सिंगलेट कार्बीन का रिप्रेजेंटेशन है। फिर से देख लीजिए, टू परमानेंट फ्रेंड्स, टू टेम्परेरी फ्रेंड्स, द टेम्परेरी फ्रेंड्स आर क्लेव्ड, उनको अलग होना है। तो व्हाट पैटर्न इज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द क्लेवेज,
one y is taking its own electron and one y is taking the electron of carbon and one orbital is now vacant. So last orbital ko kya kar diya? Vacant kar diya. So this is the condition of singlet carbene. Yahan pe dono electron bache hue hain. Both the electrons are remains here. So singlet carbene ka designation kaisa ho jayega? Like this. Ab dekhe. So two sigma bond. One electron pair in the same orbital. कहां पे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है इन द सेम ऑर्बिटल. इट इज रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिटल. ओके तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन. अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं इसको. तो टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सेम ऑर्बिटल. देन वॉट हैपन्स हाइब्रिडाइजेशन. देखिए sp2 तक कंप्लीट है. p3 में कुछ भी नहीं है. p3 इज वैकेंट है ना. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर बट इट इज नॉट अ नेचुरल और कॉमन स्पीसीज. उसमें डी को उसने पूरा p3 को क्या किया है पूरा वैकेंट कर दिया है. तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो नॉर्मल नहीं रहता है. 103 डिग्री का बॉन्ड एंगल आएगा. ठीक है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. 103 डिग्री का बॉन्ड एंगल है लगभग इसके अंदर. ठीक है तो सिंगलेट के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो अबाउट 103 डिग्री का बॉन्ड एंगल है सिंगलेट कार्बीन के अंदर. देयर इज अ बॉन्ड एंगल ऑफ 103 डिग्री. ओके और कैसा है अनस्टेबल है ना. दो तीन ऑर्बिटल इसके कंप्लीटली फिल्ड है. लास्ट वाला वैकेंट है. तो ये हुंड्स रूल को ओबे नहीं कर रहा. हुंड्स रूल क्या कहता है सब में एक एक जाएगा फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी. तो डू नॉट ओबे द हुंड्स रूल. हुंड्स रूल को ओबे नहीं कर रहा है. डू नॉट ओबे द हुंड्स रूल. और जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो कैसा होगा हाईली अनस्टेबल. तो इट इज हाईली अनस्टेबल. मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ट्रिपलेट. एंड ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी इट इज नोन एज हॉट कार्बीन. तो इसको हॉट कार्बीन भी कहते हैं. इसकी अधिक क्रियाशीलता के कारण इसको हॉट कार्बीन भी कहते हैं. तो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगलेट कार्बीन. वंस मोर सिंगलेट व्हाट हैपेंस इन सिंगलेट. द टू इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट. द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल. ओके तो टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सेम ऑर्बिटल. इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. डू नॉट ओबे द हंट्स रूल. हाईली रिएक्टिव हाईली अनस्टेबल मोर रिएक्टिव एंड इट इज नोन एज हॉट कार्बीन. इसको इसलिए हम हॉट कार्बीन भी कहते हैं. नाउ अब बात करते हैं हम लोग अगले कार्बीन के बारे में. दैट इज ट्रिपलेट. तो व्हाट इज द चेंज इन केस ऑफ ट्रिपलेट. तो अब बात कर रहे हैं हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में. तो नाउ इट इज 2s2 एंड 2p 2s1 एंड 2p3 इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन. अब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन में क्या हो गया 2s1 2p3. अब देखो ये 2s1 और ये 2p3. नाउ What happens here? Two permanent friends and two temporary friends are there. Okay. During breaking of bond, during separation, these Y are separated like this. दोनों Y ने क्या काम किया? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और बाहर चले गए. Two Y is separated like this pattern. So what happens? What is the new appearance of the bond fission? Bond fission ke baad ka kya appearance hai?
वो देखना है मुझे। तो व्हाट इज अबाउट द बॉन्ड फिशन, तो बॉन्ड फिशन के बाद इस वाय ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ये बाहर रिमूव हो गए। तो दिस इज द कंडीशन आफ्टर द बॉन्ड फिशन। हियर इज टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन भी देख लीजिए कहां तक वैलेंसी बनी हुई है, sp तक, तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये दोनों अनशेयर्ड है, ठीक है, तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो दिस इज अबाउट ट्रिपलेट कार्बीन, क्योंकि अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा ना, ऊपर जगह क्रिएट करनी पड़ेगी तभी तो लिखूंगा। तो नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ट्रिपलेट, तो यू कैन आइडेंटिफाई विद द डायग्राम्स। तो दो सिग्मा बॉन्ड और दो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल। तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज सिंगलेट एंड दिस इज ट्रिपलेट कार्बिन। तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ट्रिपलेट, नंबर वन टू सिग्मा बॉन्ड वन इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, और अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं तो फिर से एक बार कंडीशन पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रिमेनिंग्स लाइक दिस, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, ये हंट्स रूल के अकॉर्डिंग जा रहा है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग है ये क्लासिफिकेशन, एसपी हाइब्रिडाइज्ड है और हंट्स रूल के अकॉर्डिंग है। तो देखो अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, एसपी हाइब्रिडाइज्ड, 180 डिग्री ऑफ बॉन्ड एंगल, ओबे द हंट्स रूल, और ये हंट्स रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ओबे द हंट्स रूल। तो ओबे द हंट्स रूल, तो स्टेबल as compared to singlet, less reactive किससे, singlet से, less reactive as compared to singlet, stable as compared to singlet, less reactive as compared to singlet, and it is called cold carbene, इसलिए इसको cold carbene भी कहते हैं, it is known as cold carbene, okay, तो it is known as cold carbene, इस carbene को क्या कहते हैं, कोल्ड कार्बीन कहते हैं, ओके क्लियर। तो कार्बीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज, हैविंग टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। आफ्टर द बॉन्ड क्लेवेज The remaining electron pair is present in the same orbital. It is singlet, sp2 hybridized, 103 degree of bond angle. Do not obey the Hund's rule. Highly unstable, more reactive, and it is known as hot carbene due to its reactivity. Okay. Now the singlet. If the remaining electron pair is present in the different orbital, then it is called singlet carbene. ठीक है? और sp hybridized 180 linear obey the Hund's rule, Hund's rule को obe करता है, stable as compared to singlet, और ये singlet से ज्यादा stable होता है triplet, less reactive होता है as compared to singlet and also called cold carbene, और इसको हम cold carbene भी कहते हैं, also called cold carbene, okay, so this is about the singlet and triplet, and this is the new species is called carbene, is this species ko hum kehte hain carbene, okay, to ab ek example bata dete hain aapko, to ek baat dhyan rakhenge, jin reactions mein chloroform as a reactant use hota hai,
जिन रिएक्शंस में क्लोरोफॉर्म एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, वहां पे आपको कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म होता हुआ दिखेगा. वेयर कार्बीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज, जिन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, वहां पर कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. कार्बिलेमाइन रिएक्शन इसमें होता क्या है, अमाइंस रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली अमाइंस रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली टू गिव आइसोसाइनाइड्स. ओके, तो अमाइंस क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड बनाते हैं. इस रिएक्शन में कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म होता है. तो अमाइंस रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली टू गिव आइसोसाइनाइड्स. कार्बीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज. कार्बीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज और कार्बीन इस रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट स्पीसीज है. अब देखो रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड होती, कैसे कैरी ऑन होती है, उसको देखते हैं. तो मैंने आपसे कहा कि क्लोरोफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि कार्बीन जनरेट करके क्या फॉर्म करता है, कार्बीन का फॉर्मेशन, कार्बीन जनरेट करने का काम करता है. तो KOH लिया आपने, अल्कली, तो ये आया OH, और यहां पे कहां से लाए OH, ये भी लिख देता हूं, KOH से लाए, है ना. अब ये OH आयन यहां से क्या करेगा, H+ आयन को रिमूव करेगा. इट रिक्वायर्स ओनली पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज है उसके पास पहले से, तो उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए. ठीक है, तो उसने ये पॉजिटिव चार्ज अपने साथ एलिमिनेट कराया. After the elimination of positive charge, there is a new species is born. एक नया species यहाँ पर born हुआ. After the bond fission, एक नई species का जन्म हुआ. ठीक है, तो अब यहाँ पर अभी तीन chlorine है. And this is highly unstable. ये highly unstable है. And fragmented once more. एक बार और break करेगा. एक bond और लेके जाएगा बाहर. Now, here is the 2 chlorine and 1 sigma bond. 2 sigma bond and 1 unbonded electron pair. 2 sigma bond or 1 electron pair. Now, this species is called dichlorocarbene. अब इस species को हम कहते हैं dichlorocarbene. तो chloroform alkali के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें डाइक्लोरोकार्बीन एज अ इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म होता है. दिस गिव राइज डाइक्लोरोकार्बीन एज अ इंटरमीडिएट स्पीसीज. जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तब भी मैं आपको इसको बताऊंगा, क्योंकि जितने ज्यादा बार मैं आपको बताऊंगा और जितने ज्यादा बार आप इसको रिवाइज करोगे, इट बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ये बात, है ना. अब देखो डाइक्लोरोकार्बीन बन गया. मैंने कहा था अमाइंस की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, अमाइंस क्लोरोफॉर्म. तो व्हाट इज द न्यू बॉर्न स्पीसीज, डाइक्लोरोकार्बीन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है डाइक्लोरोकार्बीन के पास, 2, 2, 4 and 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. डाइक्लोरोकार्बीन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड टू शॉर्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट. और ऑक्टेट के लिए अभी इसको क्या चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट के लिए चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट के लिए चाहिए. ठीक है ना, तो अब ये डाइक्लोरोकार्बीन किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है. ठीक है, तो नाउ इट इज डाइक्लोरो
कार्बीन, और यहां पे NH2 ग्रुप था, है ना, NH2 ग्रुप इज देयर, ओके। तो डाई क्लोरोकार्बीन यहां पर आकर अटैच हुआ। अब यहां से देखिए ये HCl को रिलीज करेगा, और नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन फ्री बचा हुआ है फिर वो उसको उसके साथ कोऑर्डिनेट कर देगा। तो नाउ फाइनली इट गिव्स CH3NC, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा उसको कोऑर्डिनेट कर देगा बैलेंसी कार्बन की पूरी करने के लिए, क्योंकि दो क्लोरीन बाहर चले गए हैं। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड बाइकार्बिलामाइन रिएक्शन, वेयर द इंटरमीडिएट स्पीसीज आर डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा, और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है उनको ये पता होगा कि राइमेटिमेंस रिएक्शन में भी डाइक्लोरोकार्बीन एज इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि वहां पर फेनॉल क्लोरोफॉर्मोरल्कली का रिएक्शन होता है। अभी तो केवल मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कार्बीन्स कैसे बनते हैं, कार्बोनियम आयन कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूं बस। जब हम लोग रिएक्शंस पे काम करेंगे तो वहां पर भी इन सब चीजों को एक बार जरूर रिपीट करते हैं, तो सब चीजें ध्यान में रहेगी। ओके, अब बात करते हैं अगले इंटरमीडिएट स्पीसीज के बारे में। तो आफ्टर कार्बीन अनदर स्पीसीज इज नाइट्रिन, अनदर इंटरमीडिएट स्पीसीज इज नोन एज नाइट्रीन। तो अनदर स्पीसीज पे हम बात करेंगे और इसको कहते हैं नाइट्रीन। तो व्हाट आर द नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तो उसका लोन पेयर रहेगा ही नाइट्रोजन का और एक और अनबॉन्डेड, तो क्या हो गया, वन सिग्मा बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू इलेक्ट्रॉन पेयर, टू इलेक्ट्रॉन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रीन पर, वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके। और ऑक्टेट चेक कर लो जरा, 2, 2, 4, 2, 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाईली रिएक्टिव, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, हाईली रिएक्टिव है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाईली रिएक्टिव। इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, एज सेम एज कार्बीन, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, ये भी दो प्रकार की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। इट इज अगेन आर ऑफ टू टाइप्स एज लाइक सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, जैसे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन होती है वैसे सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन भी होती है। मतलब अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है पेयर के बाद तो ये हो गया सिंगलेट, और अगर वन सिग्मा बॉन्ड वन इलेक्ट्रॉन पेयर इन द डिफरेंट ऑर्बिटल तो दिस इज ट्रिपलेट नाइट्रीन, ये हुआ ट्रिपलेट नाइट्रीन एंड दिस इज सिंगलेट नाइट्रीन, ओके। तो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन्स आर देयर, दो टाइप की होगी, एज सेम एज जैसे कार्बीन्स दो टाइप के थे सिंगलेट और ट्रिपलेट, वैसे ही नाइट्रीन भी दो टाइप की होगी सिंगलेट और ट्रिपलेट। और नाइट्रीन्स कहां पर एज ए इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलेंगे, उन रिएक्शंस में जिनमें नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा या नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, लाइक इट इज इंटरमीडिएट स्पीसीज इन हॉफमैन
ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जहां पे अमाइड्स को कन्वर्ट करते हैं हम CONH2 ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं अमाइंस में, CONH2 ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं अमाइंस में. तो दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. N3H हाइड्रोजाइड CH3NCO, CH3NCO आइसोसाइनेट जहां पे यूज होता है, CH3CONH3 एसिटोक्सीजाइड, एसिटोक्सीजाइड, ये रिएक्टेंट्स जहां पर यूज होंगे N3H, CH3NCO, एसिटोक्सीजाइड आर अमाइड टू अमाइंस कन्वर्जन. हियर द इंटरमीडिएट स्पीसीज आर द नाइट्रीन्स. तो इन सभी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगा वो क्या होगा, नाइट्रीन होगा. नाइट्रीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शंस. इन रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट है नाइट्रीन. तो नाइट्रीन्स आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज ड्यूरिंग द रिएक्शंस. अब हम लोग फिर से एक बार बात कर लेते हैं कार्बोनियम, पहले फ्री रेडिकल. तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से बनने वाला स्पीसीज है फ्री रेडिकल. ठीक है, हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिशन पे दो स्पीसीज मिले हमें, कार्बोनियम आयन एंड कार्बन आयंस. कार्बोनियम आयन में कार्बन पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयंस में कार्बोनियम, कार्बन आयंस में कार्बन नेगेटिव चार्ज. देन उसके बाद हमने अगले ग्रुप पर बात किया, तो दो फ्रेगमेंटेड इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलते हैं, कार्बिन्स एंड नाइट्रीन्स. कार्बन एटम हैविंग टू सिग्मा बॉन्ड एंड वन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. और अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो उसको हम कहेंगे सिंगलेट. इफ इट इज इन द डिफरेंट ऑर्बिटल इट इज नोन एज ट्रिपलेट. और अगर वो अलग अलग ऑर्बिटल में है तो उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं. जैसे कार्बीन है वैसे ही नाइट्रिन्स भी हैं. तो कार्बीन्स और नाइट्रिन्स के बारे में बात किया. अब उसके बाद अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं, इट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या ध्यान रखना है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. द पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, the partial or the complete displacement of bonding electron. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आंशिक रूप से या पूर्णतः विस्थापित होना. ठीक है, तो द पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, द पार्शियल और द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, द पार्शियल और द कंप्लीट displacement of bonding electron of a molecule during chemical reaction is called electronic effect. और ये effect जो है ये चार different types के हैं. पहला inductive effect. First of all,
इंडक्टिव इफेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं, कॉमनली आई इफेक्ट ही बोलेंगे, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। इट इज डेजिग्नेटेड बाय मिड हेड एरो। कैसे शो करते हैं इसको? मिड हेड एरो से शो करते हैं। मिड हेड एरो बीच में बना हुआ हेड है तीर के, है ना, मिड हेड एरो से शो करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय ई एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय कर्व्ड हेड एरो, कर्व्ड हेड एरो। तो दिस इज साइन ऑफ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, दिस इज साइन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कहीं भी आप मिड हेड एरो देखोगे तो इट इज आइडेंटिफाइड दैट इट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात हो रही है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। और कर्व्ड हेड एरो दिखेगा, इट मींस इट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ओके, इट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। नंबर थ्री मिजोमैरिक इफेक्ट, मिजोमैरिक इफेक्ट, मिजोमैरिक इफेक्ट, और मिजोमैरिक इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। मिजोमैरिक इफेक्ट को ही रेजोनेंस भी कहते हैं, मिजोमैरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय बोथ साइड हेडेड एरो, दोनों साइड सिर तीर वाला, दोनों साइड सिर वाला तीर, बोथ साइड हेडेड एरो। तो दिस इज अबाउट मिजोमैरिक इफेक्ट। एंड द लास्ट वन इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, द लास्ट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दीज आर द फोर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक के बाद मिसोमैरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, एंड द लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट को बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। और इस बार थोड़ा सा पिछले बार से मैंने इसके पैटर्न को चेंज किया है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टडी का पैटर्न थोड़ा सा बदला, थोड़ी सी चीजें चेंज की, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इस बार चारों इफेक्ट को पढ़ लेते हैं, पहले इन फोर को कंप्लीट करेंगे, फिर इनके एप्लीकेशन पर और कार्बोकेटायन कार्बेनायंस के जो क्वेश्चन आते हैं स्टेबिलिटी वाले उन पे एक साथ बात करेंगे, क्योंकि इन सबकी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड लेस स्टेबल या मोर स्टेबल होगा और उसको बोलेंगे इट इज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पता होगा तब तो हम अंदाज लगाएंगे कि क्या कहा। इसलिए इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इन सभी इफेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन सभी इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जितना रिक्वायर्ड है, और उसके बाद फिर एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, मोर बेसिक, लेस बेसिक, इन सब पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कुछ तो सीक्वेंसेस और कुछ क्वेश्चन वाइज भी बात कर लेंगे, जिससे कि ये पोर्शन क्लियर रहे। और बहुत ही क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हिस्सा है आपका, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको ये सब बातें समझ में आ गई, सभी चीजें परफेक्टली आपने समझ लिया तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो परफेक्टली बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं इसलिए, और आपको भी इनको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए तो कम से कम चार क्वेश्चन का काम हो जाएगा, और वो अगर जेई एडवांस भी होगा तो उसमें चार क्वेश्चन का काम हो जाएगा। इस पोर्शन से कम चार क्वेश्चन कवर होता है, चार पांच क्वेश्चन, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, तो इन चारों इफेक्ट्स को पढ़ना और फिर इनकी एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस
के बारे में जब हम बात करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनके जब इनको अच्छे से समझ जाओगे आप, तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली भी आपको समझ में आएगी। कहीं कहीं जाकर के थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टेड रूल होगा तो वहां पर हम लोग फिर उस रूल के बारे में बात कर लेंगे, बट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इंटरमीडिएट्स के बारे में बात किया, तो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम इन इंटरमीडिएट्स में, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और इन हिस्से पर जब हमने अपनी इन हिस्से पर जब आप अपनी कमांड बनाओगे तो सभी चीजें आपको ऑर्गेनिक में क्लियर हो जाएगी। फिर हमारे पास कुल काम बचेगा रिएक्शंस को पढ़ने और याद करने का, तो वो तो उसके लिए तो अलग से दम लगाना पड़ेगा। लेकिन जो समझने वाला पोर्शन है कि ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद दीज इफेक्ट्स। ओके, तो थैंक यू कमांडोस, अगले लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं।